वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस मिशन चैप्टर है 6, जिसका नाम है कम्बशन एंड फ्लेम। चलिए टेस्ट योर लर्निंग आउटकम, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन कम्बशन, कम्बशन को डिफाइन करना है, चलिए करते हैं। कम्बशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस बर्न इन एयर। कम्बशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है एंड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, है ना, और जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है प्रेजेंट इन एयर, जो एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, विद द रिलीज ऑफ हीट एंड मे बी लाइट, और हीट एनर्जी रिलीज होती है, साथ में कुछ लाइट भी रिलीज होती है। चलिए, व्हाट आर द कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल्स, क्या होते हैं कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल्स, चलिए जानते हैं। कम्बस्टिबल मटेरियल्स द सब्सटेंसेज विच गेट इग्नाइटेड, दैट इज कैच फायर, ऐसा सब्सटेंस जो गेट इग्नाइटेड और कैच फायर कर लेते हैं व्हेन ब्रॉट नियर ए फ्लेम आर कम्बस्टिबल सब्सटेंस, जब किसी फ्लेम के पास उनको लाया जाता है तो उनको कहते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, ए पीस ऑफ पेपर, फैब्रिक, बोर्ड और चारकोल, मैग्नीशियम, कैंपर, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, तो जितने भी हमने नाम लिए ये सारे के सारे कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज होते हैं। नेक्स्ट, कम्बस्टिबल मटेरियल्स की बात करते हैं, क्या होते हैं द सब्सटेंसेज विच डू नॉट कैच फायर ऑन ब्रिंगिंग ए फ्लेम नियर दैम और ऑन प्लेसिंग दैम ऑन फायर आर नॉन कम्बस्टिबल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो कैच नहीं करते हैं फायर को, पकड़ते नहीं आग को, ब्रिंगिंग द फ्लेम नियर देम, जब उनके पास फ्लेम को लाया जाता है, ऑन प्लेसिंग देम ऑन फायर, ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसे कहते हैं नॉन कम्बस्टिबल, तो जैसे वाटर, सैंड हो गया आपका, कॉमनली सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी पुट ऑन फायर, इनको आप रखेंगे भी तो इनको पुट है ना आग नहीं पकड़ने वाले है। नेक्स्ट, सर्कल द कम्बस्टिबल मेटेरियल, आपको बताना है कौन कौन से कम्बस्टिबल मेटेरियल होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कॉल एक कम्बस्टिबल मटेरियल है, सॉल्ट नहीं होता है, लाइम नहीं होता है, अल्कोहल होती है, कुकिंग गैस होती है, कैंपर भी होता है, ब्लैक हेड और मैचस्टिक ये भी होता है, तो ये सारे कम्बस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाई शुड वी नॉट स्टोर स्प्रिट और पेट्रोल नियर अवर लिविंग प्लेस, पेट्रोल या स्प्रिट को हमें अपने जहां हम रह रहे हैं उसके आसपास बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए, क्यों, जानते हैं आंसर। वी शुड नॉट स्टोर स्प्रिट और पेट्रोल नियर अवर लिविंग प्लेस बिकॉज स्प्रिट और पेट्रोल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत इन्फ्लेमेबल होते हैं ये, तुरंत आग पकड़ लेते हैं, कॉज रैपिड कम्बशन एंड मे कॉज एक्सीडेंट, इनमें बहुत तेज रैपिड कम्बशन होता है और ये क्या करते हैं एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसकी वजह से आग लग सकती है भाई। नहीं, वाई डू वी एडवाइज कुक्स नॉट टू वियर नाइलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ इन किचन वाइल यूजिंग गैस बर्नर फॉर कुकिंग, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जो कुक्स होते हैं हमारे खाना बनाते हैं उनको नायलॉन या सिंथेटिक के कपड़े नहीं पहनने चाहिए किचन में जब वो गैस बर्नर पे काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, क्यों, नायलॉन स्टिक टू द बॉडी, नायलॉन चिपक जाता है बॉडी से व्हेन हीटेड और कैच फायर, जब वो हीट किया जाता है और आग पकड़ लेता है, सो वी शुड नॉट बी अ, हमारी बॉडी पे चिपकेगा तो हमको जलेंगे, हमारी बॉडी जल सकती है, वी आर नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ, इसलिए हमें नायलॉन सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए इन किचन, किचन में वाइल गैस बर्नर फॉर कुकिंग, गैस बर्नर का इस्तेमाल कर रहे हो कुकिंग के लिए तब। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट फ्यूल एयर इग्निशन टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर लाइफ, आपको ये बताना है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं फ्यूल है एयर है इग्निशन टेम्परेचर जरूरी हैं कम्बशन के लिए, ठीक है, ठीक है, नेसेसरी फॉर लाइफ, लाइफ नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, क्या आएगा कम्बशन, क्या आ जाएगा यहाँ पे कम्बशन, इसको सही कर लेंगे, कम्बशन आएगा बेटा यहाँ पे, है ना, चलो आगे। फ्यूल इज नेसेसरी फॉर फायर, क्यों जरूरी है भाई, देखिए, टेक ए फ्यूल बुड एंड बर्न इट, लकड़ी ले लीजिए उसको जलाइए, आफ्टर सम टाइम व्हेन यू रिमूव द बोर्ड, लकड़ी को जब जलती हुई आग लगी हुई है वहाँ पे, वहाँ से लकड़ी को आप रिमूव कर लेंगे, यू विल सी दैट आप पाएंगे बर्निंग इट इज स्टॉप, यानी कि जो आग जल रही थी वो रुक चुकी है, दिस इंडिकेट दैट बर्निंग फायर इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्यूल, इससे आपको पता चलेगा कि बर्निंग फायर जरूरी है के लिए जरूरी होता है फ्यूल। एयर की बात करते हैं, एयर इज नेसेसरी फॉर फायर, कैसे, फिक्स ए कैंडल ऑन ए टेबल एंड बर्न इट, एक कैंडल को यहाँ पे स्प्रिट लैंप दिया हमने, लेकिन आपको क्या लगा लेनी है, एक कैंडल यहाँ पे लगा लेनी है जलती हुई, ठीक है, अब वो कह रहा है एंड वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, सॉरी, और कह रहा है पुट ए ग्लास ओवर द कैंडल, कैंडल के ऊपर जैसे ग्लास रखा है ठीक वैसे आप एक ग्लास रख दीजिए, एंड वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इंतजार कीजिए, कैंडल स्टॉप बर्निंग, कैंडल जलती हुई रुक जाएगी, इट इंडिकेट दैट इन द अब्सेंस ऑफ एयर इट स्टॉप, यानी कि एयर की प्रेजेंस नहीं है वहां पे, अब्सेंस है, सो दैट एयर स्टॉप, यानी कि जो आग थी वो बुझ चुकी है। इग्निशन टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर फायर, इग्निशन टेम्परेचर क्यों जरूरी है, देखिए क्या करने वाले हैं, ठीक है, कीप वन कप ड्राई एंड एम्प्टी एंड फिल द अदर कप हाफ विद वाटर, एक कप को कागज के एक कप बना लीजिए, उसको एक को बिल्कुल खाली रखिए और एक में थोड़ा सा पानी भर लीजिए, कीप देम ऑन ए कैंडल फ्लेम, इसको एक कैंडल फ्लेम जलती हुई कैंडल फ्लेम के ऊपर रखिए, द ड्राई कप सून कैचेस फायर, जो सूखा हुआ कप है वो आग पकड़ लेगा तुरंत,
द कप विद वाटर डज नॉट कैच फायर इवन वेन द वाटर इन इट स्टार्ट बॉयलिंग। ये आग नहीं पकड़ेगा, पानी खोलने लगेगा, उबलने लगेगा, लेकिन कागज नहीं जलेगा। चलिए एनालाइज क्या महसूस किया हमने इससे देखते हैं। यह टी कैपिटल आएगा। द ड्राई एम्प्टी पेपर कप सून रीचेज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर एंड सो इट कैचेज फायर क्विकली। जो सूखा वाला था वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच चुका है, इसलिए उसने आग पकड़ ली है। सेकेंड, द कप विद वाटर इन इट ट्रांसफर हीट फ्रॉम द फ्लेम टू द वाटर एंड इट सेल्फ डज नॉट गेट हीटेड। अब वो कह रहा है कि जो गीला वाला कागज था वो अपनी हीट सारी की सारी वाटर को ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है। अबव द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन इट, और अपने इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर तक गर्म नहीं हो पा रहा है। दो वाटर में भी स्टार्ट बॉइलिंग, पानी हालांकि बॉयल हो रहा है लेकिन वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इन द पेपर कप में इट्स टेम्परेचर रिमेन्स एट और बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका टेम्परेचर जो 100 के आसपास ही बना रहता है। विच इज बिलो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर, जो कि पेपर के इग्निशन टेम्परेचर से लो है, यानी 220 डिग्री सेल्सियस होता है पेपर का इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट, इस सब्सटेंस कैचेज फायर ओनली वेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज रीच्ड, ठीक है। तो इससे निर्णय क्या निकला, निर्णय डिसीजन ये निकलता है कि एक सब्सटेंस केवल कभी आग पकड़ता है जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ए पेपर कप विद वाटर इन इट डज नॉट कैच फायर व्हेन पुट ऑन फ्लेम एंड ए ड्राई कप कैच फायर सून। यानी उसी एक्टिविटी पे भी क्वेश्चन आ चुका, चलिए आंसर दे देते हैं। ए पेपर कप विद वाटर इन इट डज नॉट कैच फायर व्हेन पुट ऑन फ्लेम एंड ए ड्राई कप कैचेज फायर सून बिकॉज, क्यों किया उसने कट, ठीक है, कट नहीं है, ये कप है, ठीक है। क्योंकि एक पेपर कप जो होता है विद वाटर, वाटर के साथ जो होता है, इन इट डज नॉट रीच टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाया। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम टू आ चुका है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाटर एंड सैंड आर यूज टू पुट आउट फायर, यानी आग को बुझाने के लिए सैंड और वाटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, चलिए जानते हैं। स्प्रे द बर्निंग मटेरियल विद वाटर और सैंड टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन। यानी कि हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं बर्निंग मटेरियल पे वाटर की या सैंड की, इससे सप्लाई रुक जाती है एयर की दैट इज ऑक्सीजन की टू द बर्निंग मटेरियल, मेल्टिंग मटेरियल तक। स्प्रे ऑफ वाटर ऑल्सो हेल्प इन लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग मटेरियल, और पानी जो है, ठीक है, उसकी जो वेपर बनती है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को भी ब्रेक कर देती है। नेक्स्ट, वाई शुड द ऑयल फायर बी नॉट स्प्रेड विद वाटर, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑयल किससे आग लगी हुई, किसी तेल में आग लगी हुई है उस पर वाटर की स्प्रे नहीं करनी चाहिए, क्यों। वाटर शुड नॉट बी पॉर्ड ओवर बर्निंग ऑयल, वाटर को है ना बर्निंग ऑयल पे नहीं डालना चाहिए, केरोसिन पे, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा पे। वाटर इज हैवियर देन ऑयल, पानी भारी होता है ऑयल से। वाटर सिंक अंडर द लेयर्स ऑफ ऑयल, पानी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऑयल की लेयर के नीचे चला जाएगा। एंड ऑयल राइजेज अप, और ऑयल तो और ऊपर आ जाएगा, फ्लोटिंग ऑन द वाटर, वो ऊपर तैरता रहेगा। एंड इज एक्सपोज टू फ्लेम, और ये फ्लेम के एक्सपोज हो जाएगा, यानी वहां पे बना रहेगा। दस द ऑयल फ्यूल कंटिन्यू टू बी ऑन फायर, इस तरह से क्या होगा, फ्यूल बना रहेगा, कंटिन्यू ऑन फायर, आग बनी रहेगी, रेदर इट सपोर्ट फायर, और ये तो है ना फायर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, विच इज बेटर वे टू सेव ए मैन और ऑन फायर, ठीक है, यानी एक पर्सन को किसी को आग लगी है तो कौन सा बढ़िया तरीका है कि आप उसको आग से बचा पाए, चलिए जानते हैं। इफ ए पर्सन इज ऑन फायर, अगर एक पर्सन को आग लगी है, इट इज बेटर टू रैप हिम इन ब्लैंकेट, तो बेहतर होगा कि आप उसको कंबल से लपेट दें, ब्लैंकेट लपेट दें उसके ऊपर, और एक कारपेट लपेट दें, टू पुट आउट द फ्लेम, ताकि आग बुझ सके, फ्रॉम हिज बर्निंग क्लॉथ, उसके बर्निंग क्लॉथ से। एंड ऑल्सो टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इससे क्या होगा, ठीक है, जो क्लॉथ आपने, कंबल, ब्लैंकेट जो भी लपेटा है, उससे ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेक हो चुकी है, इस वजह से आग बुझ जाएगी। स्प्रेइंग वाटर ऑन हिज बर्न्स कूल द बर्निंग पार्ट्स ऑन हिज बॉडी, यानी कि अब अगर आप पानी का छिड़काव करेंगे आग बुझने के बाद, तो उसके जो जख्म है, मतलब जो जल चुका है, उसको कूलिंग भी महसूस होगी। नेक्स्ट, व्हाई द फ्लेम गोज ऑफ व्हेन, आग क्यों बुझ जाती है जबकि वाटर इज पॉर्ड ऑन द बर्निंग लॉग ऑफ वुड, ठीक है, वाटर इज पॉर्ड, वाटर को छिड़काव किया जाता है, बर्निंग लकड़ी का लट्ठा है, कोई लकड़ी है वो जल रही है, उस पर पानी का छिड़काव करते हैं, तो बुझ क्यों जाती है आग। द फ्लेम गोज ऑफ व्हेन बिकॉज लॉग ऑफ वुड रीचेज बिलो इग्निशन टेम्परेचर, तो कह रहा है फ्लेम गोज ऑफ, आग बुझ जाती है, फ्लेम बुझ जाती है बिकॉज लॉग ऑफ वुड जो होता है, जब पानी छिड़कते हैं, इग्निशन टेम्परेचर से नीचे पहुंच जाता है। नेक्स्ट, बिक ऑन ए स्प्रिट लैम्प इज कैप कवर्ड विद अ लिड कप, यानी कि बिक जो है बत्ती जो होती है मोमबत्ती की या स्प्रिट लैम्प की, इज कैप कवर्ड विद अ लिड, उसको एक ढक्कन से कवर कर दिया जाता है, तो क्या होता है भाई, क्यों बुझ जाती है। द फ्लेम गोज ऑफ व्हेन बिक इन ऑन ए स्प्रिट लैम्प इज कैप कवर्ड विद अ लिड कप, एंड उसको एक कप से ढक देते हैं, तो क्यों, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, डी को स्मॉल बना लेंगे, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए ऐसा हो जाता है।
नेक्स्ट, ऑयल इज नॉट लेफ्ट इन द ऑयल लैम्प, ऑयल नहीं बचा ऑयल लैम्प में तो क्यों बुझ जाएगी? फ्लेम गोज ऑफ ड्यू टू द लेक ऑफ कम्बस्टिबल मेटेरियल दैट इज ऑयल, क्योंकि वहां पे कम्बस्टिबल मेटेरियल नहीं बचा है, ऑयल नहीं बचा इसलिए बुझ जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट प्रिवेंटिव स्टेप्स टेकन व्हेन यू नोटिस दैट देयर इज अ फायर, ठीक है, यानी कि आप क्या प्रिवेंटिव स्टेप लेंगे जब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे आग लगी हुई है। नंबर वन, रिमूव द कम्बस्टिबल मेटेरियल फ्रॉम द साइट, सबसे पहले आप कम्बस्टिबल मेटेरियल को रिमूव कर देंगे अगर वहां पे कोई है तो। सेकेंड, स्प्रे द बर्निंग मेटेरियल विद द वाटर और सैंड, स्प्रे करेंगे बर्निंग मेटेरियल पर किसकी, वाटर की और सैंड की। द स्टॉक ऑफ एनी फ्यूल लाइंग नियर बाय शुड बी रिमूव, अगर आस पास कोई भी फ्यूल रखा है तो उसको तुरंत रिमूव करा देंगे आप वहां से। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैलोरी वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, कैलोरी वैल्यू ऑफ फ्यूल से आप क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। कैलोरी वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कैलोरी वैल्यू क्या है बेटा, ये हीट का एक अमाउंट होता है प्रोड्यूस ऑन बर्निंग ऑन वन यूनिट ऑफ फ्यूल, जब एक किलोग्राम को, एक यूनिट मास को आप जब फ्यूल के जला रहे हैं, मान लीजिए एक किलोग्राम फ्यूल को आप जला रहे हैं, तो उसको जलाने से जो हीट एनर्जी जनरेट होती है उस अमाउंट को, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जला रहे हैं, फॉर इट्स कंप्लीट बर्निंग, कंप्लीट बर्निंग के लिए, तो वो जो हीट जनरेट, यानी एक किलोग्राम फ्यूल को जलाने से जो हीट जनरेट होती है उसको कहते हैं उसकी कैलोरी वैल्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वुड एंड कॉल्स एज फ्यूल, वुड और कॉल को एज फ्यूल यूज करने का क्या हार्मफुल डिसएडवांटेज है? वुड एंड कॉल कॉज पॉल्यूशन, वुड और कॉल से पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज अ गुड फ्यूल इवन देन इट इज नॉट बींग यूज इन अवर होम्स एंड इंडस्ट्रीज, वाई, यानी कह रहा है कि हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है फिर भी हम इसे घरों में, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल नहीं करते, क्यों भाई? इट इज हाईली रिस्की बिकॉज इट एक्सप्लोड इफ इट गेट्स मिक्स विद एयर बिफोर इट इज इग्नाइटेड, वो कह रहा है कि भाई ये एक्सप्लोड हो सकता है ना, ब्लास्ट हो सकता है अगर ये एयर के साथ मिक्स हो गया इग्नाइटेड इग्निशन से पहले। हैंड इट इज नॉट वेरी यूजफुल एज डोमेस्टिक, ठीक है, और इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसलिए इसको डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल फ्यूल, लिस्ट सम ऑफ दीज क्वालिटीज, एक आइडियल जो फ्यूल होता है, परफेक्ट फ्यूल होता है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं जानते हैं। इट शुड बी रेडली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो, रीजनेबल प्राइस, प्राइस कम प्राइस पे, हाई कलर की वैल्यू होने चाहिए, ठीक है, इग्नाइटेड एंड पुट ऑफ इजिली, आसानी से जलाया जा सके, आसानी से बुझाया जा सके, शुड बर्न एट स्टडी रेट, एक स्टडी रेट से जले, शुड रिलीज हीट इन कंट्रोल मैनर, जो हीट रिलीज करे, ऐसा कि नहीं जलाते ही सारी हीट रिलीज कर दी एक्सप्लोड हो गया, नहीं, एक कंट्रोल रेट से वो क्या करे, हीट रिलीज करे। नेक्स्ट, इट शुड बी सेफ इन हैंडलिंग, हैंडल करने में, लाने ले जाने में सेफ होना चाहिए, नॉट प्रोड्यूस वेस्ट लाइक एस, राग धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, इट शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, नो स्मोक सूट और अदर पॉइजनस गैसेज नहीं जनरेट होनी चाहिए, इट शुड बी सेफ टू स्टोर, यानी कि क्या होना चाहिए, स्टोर करने के लिए सेफ होना चाहिए, रखने के लिए। नेक्स्ट, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम थ्री, यहाँ पे देखने वाले हैं अभी क्या देखेंगे, नेम द फोर, दैट इज फोर नहीं है बेटा यहाँ पे, क्या थ्री है, हमारी बुक में थ्री दिए हुए हैं, थ्री जोन इन अ वैक्स कैंडल फ्लेम, यानी आपसे पूछ रहा है तीन कैंडल फ्लेम, यानी तीन जो जोन होती है कैंडल फ्लेम की वो बताइए। नंबर वन है डार्क और ब्लैक इनर जोन, सबसे पहले डार्क या इनर ब्लैक जोन, सेकेंड है ल्यूमिनस जोन, और थर्ड होती है आउटर मोस्ट, दैट इज नॉन ल्यूमिनस जोन। सेकेंड क्वेश्चन, विच जोन ऑफ द फ्लेम एमिट्स लाइट एंड वाई, कौन सी जोन है, ठीक है, किसकी, कैंडल फ्लेम की, जो एमिट करती है लाइट को, क्यों, ल्यूमिनस जोन एमिट्स लाइट ड्यू टू बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, ल्यूमिनस जोन जो होती है वो एमिट करती है लाइट को, और क्यों, क्योंकि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन हो रही है वहां पे। नेक्स्ट, विच इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, तो ये होती है बेटा आउटर मोस्ट या नॉन ल्यूमिनस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी मेक यूज ऑफ विक इन ऑयल लैम्प्स, हम क्यों यूज करते हैं विक का ऑयल लैम्प्स में, चलिए जानते हैं। द विक बींग मेड ऑफ एब्जॉर्बेंट मेटेरियल कॉन्टिन्यूज अब्जॉर्ब द लिक्विड, यानी यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बोला गया है जो बिक होती है वो एब्जॉर्बेंट मेटेरियल की बनी हुई होती है, जो ऑयल को, फ्यूल को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है, कंटिन्यूस अब्जॉर्ब द लिक्विड, लिक्विड फ्लूइड को अब्जॉर्ब करती रहती है, एंड द फ्यूल राइजेस इनटू द विक, और फ्यूल राइज होता रहता है बिक में, अलोंग द वॉल्स ऑफ द फाइबर, फाइबर्स के अलोंग, दिस मेंटेन रेगुलर सप्लाई ऑफ द लिक्विड फ्यूल ऑन द फ्लेम, इसकी वजह से ही क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर सप्लाई बनी रहती है लिक्विड फ्यूल की फ्लेम के पास तक। नेक्स्ट, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल फ्राइंग फूड इन कुकिंग ऑयल, यानी क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जब फ्राइंग फूड कर रहे हो आप, कुकिंग ऑयल में, तेल में, है ना, फ्राई कर रहे हो खाने को, चलिए जानते हैं। व्हेन फ्राइंग फूड इन कुकिंग ऑयल, द कुकिंग ऑयल में कैच फायर, उसमें आग लग सकती है,
व्हेन एक्सपोज टू फ्लेम, फ्लेम को जब एक्सपोज होगा वो, टू राइजिंग ऑफ वेपर, क्योंकि वेपर राइज होती है वहां पे, फ्रॉम द ऑयल एट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द ऑयल, क्योंकि वो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द ऑयल पे पहुंच चुका है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वैक्स व्हेन कैंडल गेट्स लाइटेड, जब कैंडल को जलाया जाता है तो फिजिकल स्टेट क्या होती है वैक्स की, चलिए जानते हैं। व्हेन ए कैंडल गेट्स लाइटेड द सॉलिड वैक्स फर्स्ट कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू इनटू वेपर। ये कह रहा है व्हेन ए कैंडल गेट्स लाइटेड, जब एक कैंडल को आप लाइटेड करते हैं, जलाते हैं, तो सबसे पहले वो सॉलिड हुआ करता है, फर्स्ट कन्वर्टेड टू लिक्विड, सबसे पहले वो क्या होगा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एंड अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू वेपर, और सबसे लास्ट में जाके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज केरोसिन इन एन ओपन अर्थन लैम्प, वो कह रहा है वी डू नॉट, है ना, यहाँ पे नॉट आएगा, व्हाई वी डू नॉट यूज केरोसिन इन ओपन अर्थन लैम्प, यानी जो चिराग होते हैं, जो दिए होते हैं, वो खुले होते हैं, ओपन होते हैं, तो उसमें केरोसिन तेल क्यों नहीं जला सकते हैं? चलिए, वी यूज, वी डू नॉट यूज, है ना, क्या आएगा यहाँ पे, वी डू नॉट, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, वी डू नॉट यूज केरोसिन एन ओपन अर्थन लैम्प बिकॉज इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, क्योंकि बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल होता है, एंड वैन वेपराइज इन एन ओपन एटमोसफियर, ठीक है, और ये वेपराइज हो जाएगा जैसे ओपन एटमोसफियर में रखा जाएगा, कैन कैच फायर मे कॉज एक्सीडेंट, आग पकड़ लेगा और एक्सीडेंट भी करा सकता है। एक्सरसाइज की तरह मूव करने वाले माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं, तो माय डियर स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज फ्यूल, कौन फ्यूल की तरह यूज नहीं होता, एलपीजी होता है, सीएनजी होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, ये भी ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गोबर गैस ए, तो ये बेटा मिक्सचर होता है मीथेन का, हाइड्रोजन का, सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेट्रा। कंबशन इज द प्रोसेस, कंबशन में क्या होता है बेटा, बर्निंग ऑफ फ्यूल एमिटिंग हीट, बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है और हीट निकलती है। इन विच जोन ऑफ द फ्लेम फ्यूल रिमेन्स इन वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म में रहता है बेटा, डार्क जोन में। द कलर ऑफ द फ्लेम विद हाइएस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज, क्या होता है तो ब्लू होती है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है, एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, या सभी, ये सभी होते हैं, इसमें राइट आंसर इज डी। गिव वन वर्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, इसको कहते हैं कंबशन, मेटल विच गेट्स इग्नाइटेड कैचेस फायर, तो ये रहता है कंबस्टिबल सब्सटेंस, ए मेटल विच डज नॉट गेट गेट इग्नाइटेड, जीईटी, गेट इग्नाइटेड, तो ये होता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ए फ्यूल लाइक पेट्रोल विच कैचेज फायर इंस्टेंटेनियसली इवन फ्रॉम ए स्पार्क, ये होते हैं हाईली इनफ्लेमेबल, एंड इक्विपमेंट दैट इज अपरेटस यूज फॉर पुटिंग आवर फायर, ठीक है, पुटिंग ऑन फायर, ठीक है, तो यानी पुटिंग आउट फायर, यहाँ पे आउट आएगा बेटा, क्या आएगा, आउट आएगा, तो ये होते हैं आग बुझाने का काम, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है, तो दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर। फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं, चलिए देखते हैं। ए ब्लू फ्लेम ऑन बर्नर शोस, क्या शो करता है, कंप्लीट कंबशन। येलो फ्लेम ऑन बर्नर क्या करता है, इनकम्प्लीट कंबशन को शो करता है। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम, आउटर जोन होती है, ठीक है। माइन कोल एंड पेट्रोलियम आर, ये फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं बेटा। हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। स्टेट बाय द ट्रू ऑफ ऑल, ट्रू ऑफ ऑल क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट, एन आयरन नेल इज कम्बस्टिबल सब्सटेंस, फॉल्स है भाई, लोहे की गिल कहाँ जलती है भाई। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द कम्बशन, ट्रू है। मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज इट्स कैलोरिक वैल्यू, फॉल्स है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है माय डियर स्टूडेंट। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फायर एक्सटिंग्विशर, ट्रू है। नेक्स्ट, येलो फ्लेम फ्रॉम ए गैस बर्नर शोज कंप्लीट बर्निंग ऑफ द फ्यूल, फॉल्स है बेटा। फॉसिल फ्यूल आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फ्यूल, फॉल्स है अगेन। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी प्रोवाइडेड एट ऑल पब्लिक प्लेसेस, ये बात सही है, सही जगह, सभी जगह पे होना चाहिए। इट इज द वेपर फॉर्म ऑफ फ्यूल दैट कैचेस फायर, यस इट्स ट्रू। नाइन, टेम्परेचर एट विच ए फ्यूल कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, ट्रू है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिक वैल्यू, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। थियोरिटिकल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं। इससे पहले वीडियो को हम आगे बढ़ाएं, आप हमारे चैनल को क्या करने वाले हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए, कम्बस्टिबल सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस व्हिच इग्नाइटेड कैच फायर व्हेन अबाउट नियर ए फ्लेम आर कॉल्ड कम्बस्टिबल सब्सटेंस, यानी जब फ्लेम के करीब उनको लाया जाता है तो वो क्या करने लगते हैं बेटा, वो आग पकड़ लेते हैं। फ्यूल की बात करते हैं, द सब्सटेंस व्हिच बर्न एंड रिलीज हीट, जो जलता है और जलने पे हीट देता है उसको फ्यूल कहते हैं। फ्लेम ए रीजन ऑफ बर्निंग गैस, रीजन होता है बर्निंग गैस का। वॉट इज कैलोरिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कैलोरिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो हीट का अमाउंट प्रोड्यूस ऑन बर्निंग वन यूनिट ऑफ फ्यूल, एक किलोग्राम फ्यूल को जलाने पे जो
निकलती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स कंप्लीट बर्निंग। ठीक है, 1 किलोग्राम फ्यूल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली जला देने पर जो हीट का अमाउंट निकलता है उसको कहते हैं कैलोरी वैल्यू ऑफ द फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर, लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कि कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। और सेकेंड डेफिनेशन, द टेम्परेचर टू विच ए सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड, किसी एक सब्सटेंस को उस टेम्परेचर पर जरूर हीट करना चाहिए बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग, वो इससे पहले बर्निंग उसकी स्टार्ट हो। इन द एयर इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर जो कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। वॉट इज कम्बशन, कम्बशन इज ए केमिकल प्रोसेस, पहले भी आ चुकी है डेफिनेशन, एक केमिकल प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस बर्न इन एयर, एयर में सब्सटेंस को जलाया जाता है एंड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है प्रेजेंट इन एयर विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हो रही होती है, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इज द कंबशन पॉसिबल विदाउट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नो, कंबशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सप्लाई के कंबशन पॉसिबल नहीं है। 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द रिक्वायर्ड्स ऑफ कंबशन, कंबशन करने के लिए क्या जरूरी चीजें हैं। तो क्या है, नंबर 1 कंबस्टिबल मटेरियल दैट इज फ्यूल का होना, ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस, इग्निशन टेम्परेचर तक ऑफ सब्सटेंस को पहुंच जाना। वाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्बस्टिबल कम्बशन स्कॉटिंग एग्जाम्पल, कितने टाइप के कम्बशन होते हैं, एक एग्जाम्पल देके बताइए। तो चलिए सबसे पहले एक्सप्लोसिव कम्बशन क्या होता है, इसमें बेटा व्हेन ए क्रैकर, फायर क्रैकर की बात कर रहा है, इज इग्नाइटेड, जब आप उसको जलाते हैं इट एक्सप्लोड, तो ये एक्सप्लोड हो जाता है, बूम की आवाज आती है विद अ बिग बैंग प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, और बिग बैंग आवाज जब आती है आपको और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, स्पार्कलिंग होती है, इसको कहते हैं एक्सप्लोसिव कम्बशन। नेक्स्ट एक्सपॉन्टेनियस कम्बशन, इसको कहते हैं स्ट्राइक द हेड ऑफ ए मैच स्टिक, मैच स्टिक के हेड को आप रब करते हैं किस पे, मैच बॉक्स पे, ओवर द साइड ऑफ ए मैच बॉक्स इट कैचेस फ्लेम, ये फ्लेम जलने लगती है स्पॉन्टेनियसली अपने आप। आप रैपिड कम्बशन की बात करें, कुकिंग गैस इन अवर होम्स ये एग्जाम्पल है, स्प्रेड पेट्रोल एंड कैम्फर गो टू फ्लेम्स इवन विद अ गैस लाइटर, हल्की सी भी स्पार्किंग देंगे उसको तुरंत क्या हो जाएगा, ये फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज मेटेरियल्स आर हाईली इनफ्लेमेबल, इनको कहते हैं हाईली इनफ्लेमेबल मेटेरियल्स। स्लो कम्बशन क्या होता है, बर्निंग ऑफ वुड कोल बैक्स कैंडल और सच अदर मेटल इज ए स्लो कम्बशन, ये स्लो कम्बशन, जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो कुछ देर तक वो सुलगती रहती है, धुआं रहता है, एकदम से फ्लेम नहीं बनने शुरू हो जाती है, तो ये कुछ टाइम लेती है ना, स्लो कम्बशन है। नेक्स्ट गिव वन प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द फायर, कौन कौन सी है भाई, वाटर के पास क्या प्रॉपर्टी ऐसी, देखिए वाटर रिड्यूस द इग्निशन टेम्परेचर, वाटर इग्निशन टेम्परेचर को रिड्यूस करता है बाई एब्जॉर्बिंग हीट, हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं एंड ऑल्सो फॉर्म एन एनवलप ऑफ वाटर वेपर अराउंड द बर्निंग फ्यूल विच कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई एंड हैंस कंट्रोल, यानी वाटर क्या होता है जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वहां तक उसको रिड्यूस कर देता है, है ना, मतलब उसको सब्सटेंस को वहां तक पहुंच नहीं देता, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है जो सब्सटेंस जल रहा होता है फ्रॉम एन एनवलप ऑफ वाटर वेपर, और वाटर वेपर एक बना लेता है, कवर कर लेता है उसको, पूरे सब्सटेंस को घेर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है एंड हैंस कंट्रोल द फायर, आग को कंट्रोल कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ कम्बशन, ये तो सपोर्ट ही नहीं करती है कम्बशन को, इट फॉर्म्स एन एनवलप अराउंड द फ्यूल एंड कंट्रोल द फायर, है ना, फ्यूल के चारों तरफ एक CO2 की कवर बना लेती है, एनवलप बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, फिर से कंट्रोल होगी। नेक्स्ट लिस्ट द सॉलिड लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल्स यू मे नो अबाउट, आपको नाम बताने, सॉलिड फ्यूल वुड कोल डंग केक एक्सेट्रा, लिक्विड फ्यूल पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा, गैसियस फ्यूल की बात करें LPG CNG बायोगैस। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग हमें बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके CNG की LPG की फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन पे, विच जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम गिव्स मैक्सिमम इल्यूमिनेशन, यानी लाइट सबसे ज्यादा कौन देती है, तो इल्यूमिनस जोन है, नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमम हीट कौन सी देती है, तो आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन होती है, वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल होता है डार्क और ब्लैक इनर जोन में होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबशन एक्सप्लेन इन डिटेल, कौन कौन सी कंडीशन है जरूरी है जो कंबशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले होना जरूरी है कंबस्टिबल मटेरियल का, फायर कैन इजिली बी इग्नाइटेड विद पेट्रोल, फायर को आसानी से जला सकते हैं पेट्रोल की मदद से, स्प्रिट की मदद से, केरोसिन, वैक्स, वुड कॉल, पेपर एंड स्टोव एक्सेट्रा को हम जला सकते हैं, ये सारे कम्बस्टिबल मेटेरियल होते हैं, ऑल दीज आर कम्बस्टिबल मेटेरियल और दीज आर फ्यूल, ये सब फ्यूल कहलाते हैं। कम्बस्टिबल मेटेरियल इज नेसेसरी फॉर कम्बशन, कम्बस्टिबल मेटेरियल जरूरी होता है कम्बशन के लिए।
एयर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये क्यों जरूरी है भाई? लाइट ए स्प्रिट लैम्प, इट बियर्स ए फ्लेम, इसमें फ्लेम आएगी, प्लेस ए लिड ओवर ए द फ्लेम, इसके ऊपर एक ढक्कन कवर कर दीजिए, फ्लेम गोज ऑफ, फ्लेम बुझ जाएगी सून आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द फ्लेम कंटिन्यूस टिल देयर इज सम ऑक्सीजन अवेलेबल अंडर द लिड एंड इट गोज ऑफ, यानी कि जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल है तब तक ये जलती रहेगी और ये ऑफ हो जाएगी व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन, जब कोई ऑक्सीजन नहीं बचेगी, दस ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन नेसेसरी है कंबशन के लिए। नेक्स्ट, द फ्लेम कंटिन्यूस टिल देयर इज सम ऑक्सीजन अवेलेबल अंडर द लिड, यहां तक पढ़ चुके थे इट गोज ऑफ, है ना, तो ये पार्ट हम पढ़ चुके थे, दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, उसमें आग लग जाती है तो उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, और द टेम्परेचर टू विच ए सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड, वो टेम्परेचर जिस तक आपको गर्म करते करते उस टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग, वो जलना स्टार्ट हो उससे पहले आपको गर्म करते करते उस टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा इन द एयर, एयर की प्रेजेंस में इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल एंड देयर यूजेस, डिफरेंट टाइप के फ्यूल बताने हैं उनके यूजेस बताने। चलिए पहले बात करते हैं सॉलिड फ्यूल की, डंग केक, फायरवुड, सॉडस्ट, स्ट्रॉ एंड अदर एग्रीकल्चर वेस्ट, चारकोल, कोल माइन, फॉसिल फ्यूल, कॉक, पैराफिन फ्यूल, बैग्स एंड कैंपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल, दीज आर यूज इन होम कुकिंग लाइटिंग एक्सेट्रा के लिए हम जनरली इनको इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड फ्यूल्स की बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल दैट इज पेट्रोलियम और क्रूड फ्रॉम ऑयल फ्रॉम विच पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, बेंजीन एंड टोलोइन आर लिक्विड फ्यूल, ये सारे के सारे लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स है, घी एंड टैलो, एनिमल फैट इन द लिक्विड फॉर्म है, एल्कोहल जो स्प्रिट है एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन गैस जो कि रॉकेट्स में भी यूज होता है आर यूज लिक्विड फ्यूल, ये सारे के सारे लिक्विड फ्यूल तो यहाँ यूज हो रहे हैं, इतनी सारी जगह यूज हो रहे हैं, और पेट्रोलियम जो लिक्विड फ्यूल होते हैं जनरली ऑटोमोबाइल्स में, बस, कार, ट्रक, है ना, बाइक में, स्कूटी में, सब में यूज होता है। गैसेस फ्यूल की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एलपीजी बीइंग यूज्ड एज ए गैस फॉर कुकिंग पर्पस, सीएनजी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल ऑयल वेल्स एंड पाइप टू हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज, हाउसेज क्यों यूज होती है, घरों में किचन में इस्तेमाल करने के लिए, नेचुरल गैस फ्यूल इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम प्योरीफाइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो नेचुरल गैस जो है वो प्योरीफाइंग ऑर्गेनिक मैटर से भी आपको मिलती है, फ्रॉम बायोगैस प्लांट एंड फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो यहाँ से भी आपको मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट एन आइडियल फ्यूल फ्रॉम ए गुड फ्यूल, चलिए जानते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन बर्निंग वन यूनिट ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के एक किलोग्राम अमाउंट को आप जला रहे हैं तो जितनी हीट अमाउंट मिलता है उसको कहते हैं कैलोरिफिक वैल्यू ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर फॉर इट्स कंप्लीट कंबशन, इट्स यूनिट इज क्या होती है बेटा, किलो जूल पर किलोग्राम, जिसको किलो जूल पर किलोग्राम ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं, कैलोरिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, कितनी होती है 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक्स, ठीक है, तो ये होती है आपका बेटा, आप कह सकते हैं कि 150,000, कितनी होती है 150,000 किलो जूल पर किलोग्राम, एक किलोग्राम को जलाने पर इतनी हीट मिलेगी आपको। डिफरेंशिएट एन आइडियल फ्यूल फ्रॉम ए गुड फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, क्या क्या होती हैं, शुड बी रेडिली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस, प्राइस भी कम होने चाहिए, शुड हैव ए हायर कैलोरी वैल्यू, कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, कुड बी इग्नाइटेड एंड पुट ऑफ इजीली, आसानी से जलाया जा सके, बुझाया जा सके, शुड बर्न एट स्टेडी रेट, एक स्टडी रेट से कंट्रोल मैनर में जले, रिलीज हीट इन कंट्रोल मैनर, हीट जो रिलीज कर रहा है कंट्रोल मैनर में कर रहा है, सेफ इन हैंडलिंग, हैंडल करना आसान होना चाहिए, शुड नॉट प्रोड्यूस वेस्ट लाइक एस, राख, धुआं वगैरह, डस्ट वगैरह नहीं देना चाहिए, शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, नो स्मोक, धुआं वगैरह और अदर पॉइजनस गैसेज भी रिलीज नहीं करना चाहिए, सेफ टू स्टोर, इकट्ठा करना, स्टोर करना आसान होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम, स्ट्रक्चर बतानी है फ्लेम की वेल लेबल डायग्राम की मदद से, चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम, ऑन लाइटिंग ए वैक्स कैंडल, जैसे एक मोमबत्ती को आप जलाते हैं, वैक्स मेल्ट होती है, राइजेज इन टू द बिग, बिग में मेल्ट होकर ऊपर जाती है, चढ़ती है, लिक्विड वैक्स इन द बिग वेपराइज, लिक्विड जो वैक्स होती है और गर्म जब करते हैं तो वो वेपराइज हो जाती है, एंड कैच फायर, तो वो वेपर कैच फायर कर लेती है, टू गिव आउट ए फ्लेम, और फ्लेम बन जाती है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जोन इन द कैंडल फ्लेम, तीन टाइप की जोन होती है, चलिए बात करते हैं, सबसे पहले डार्क और ब्लैक जोन ऑफ द फ्लेम, ये सबसे अंदर वाली जो दिखाई है, डार्क और इनर मोस्ट जोन, There is no burning in it, this zone. इस zone में कोई भी burning नहीं होती है. It is a least hot part of the flame. सबसे कम गर्म part होता है. Wax vaporizes into gas in this zone. जो vapor होती है, liquid, so ये जो यहाँ पे melted आपका wax है,
ये वेपराइज हो जाता है। ल्यूमिनस जोन की बात करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली येलो जोन की बात कर रहा है। इन दिस जोन हाइड्रोजन बर्न्स विद ए ब्रिलियंट येलो फ्लेम, हाइड्रोजन जलती है अ ब्रिलियंट येलो फ्लेम के साथ। नेक्स्ट, सम अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं उनके साथ, गिव राइज टू सूट, इनके वजह से सूट पैदा होता है, धुआं वगैरह पैदा होता है। आउटर मोस्ट जोन की बात करते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन है जो कि कैसी होती है, ब्लू कलर की। दिस जोन इज पुअरली पुअरली विजिबल एंड इज स्लाइटली ब्लू, ये पुअरली विजिबल होती है और ब्लू होती है कलर में। इट इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट यही होता है। वेयर कंप्लीट ऑक्सीडेशन बर्निंग ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस, यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन हो जाता है, बर्निंग हो जाती है फ्यूल की। चलिए स्टूडेंट, माई डियर स्टूडेंट, ये कंप्लीट वीडियो आपने देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो इसी तरह हम और भी बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं, बाय बाय।